नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वैशो पानीपत। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की शुभवाहट बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आप लोगों को पता होगा कि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर तक विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन इसी बीच हरियाणा में आज अमित शाह हैं और अमित शाह जान फूंकने आए हैं कार्यकर्ताओं में और उनको जताने आए हैं कि आप लोगों ने 5 सीटें जो है क्यों हरवा दी, और आज जान भी फूकेंगे, उनको नए टिप्स भी देंगे कि जनता के बीच में जाएं, हरियाणा सरकार ने क्या नए काम शुरू किए हैं और मनोहर सरकार ने क्या काम किए थे ये जनता को बताएं। लेकिन इसी बीच बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस के लिए इस बार बड़ी सिरदर्दी होगी क्योंकि हर विधानसभा में 10 से 15 कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और बाकायदा जो है हुड्डा ग्रुप के जो है हुड्डा के पास जा रहे हैं और शैलजा गुट के जो है शैलजा गुट के पास जो है हाजिरी भर रहे हैं कि टिकट जो है उन्हें दी जाए। हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब कांग्रेस मुसीबत में थी और कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे और लग भी नहीं रहा था कि अब कांग्रेस जो है दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन अब कांग्रेस के अच्छे दिन आए। हरियाणा में 5 सीटें आई और अब कुछ नेता लौट के वापस आ रहे हैं और कुछ लोग जो छोड़ के गए हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ता पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ ही हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हैं, वो अब आस लगाकर बैठे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी और वो MLA बनेंगे और विधानसभा में जाकर बैठेंगे। लेकिन बड़ी बात अंदर की निकल कर ये आ रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कोई भी गलती जो है नहीं करना चाहती और बकायदा इसके लिए कांग्रेस ने अपना आंतरिक सर्वे जो है वो करवाना शुरू भी कर दिया गया है और जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बायोडाटा जो है वो मंगवाने शुरू कर दिया है। अगले महीने से वो शुरू हो जाएंगे, एक दिन जो है इस महीने का और रह गया और अगले महीने से कैंडिडेटों की जो लिस्ट है, कैंडिडेटों के जो बायोडाटा है वो कांग्रेस पार्टी बकायदा जो है मंगाना शुरू कर देगी और उसके हिसाब से कांग्रेस आंतरिक सर्वे और उसके बाद इंडिपेंडेंट एजेंसी से जो है सर्वे करवाएगी। इसको लेकर उम्मीदवार जो जितने भी हैं फील्ड में हैं उन्होंने अपनी तेजी और बढ़ा दी है, जनता के बीच जाना और शुरू कर दिया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो है एक्टिव हो गए हैं और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देखिए कितने एक्टिव और जनता के बीच में रहते हैं, टैग करते हैं हुड्डा को, टैग करते हैं कुमारी शैलजा को, देखिए कि उनकी उपस्थिति जो है लगातार जनता के बीच में है और जनता के सुख दुख में वो लोग काम आते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस दौरान जो है कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के दिग्गज, कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के चुनाव जिन्होंने लड़ना है, चुनाव लड़ने के जितने भी लोग हैं उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो वो बाकायदा जो है हाजिरी भरते हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं और अपने फेसबुक पेज पर, अपने सोशल मीडिया पेज पर जो है उस फोटो को डालते हैं और टैग करते हैं अपने बड़े नेताओं को। तो शुभवाहट बड़ी तेजी से है, लेकिन इस बार सिरदर्दी कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि कुछ पुराने कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कई सालों से पार्टी के साथ थे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं पार्टी के जो नेता अब दूसरी पार्टियां छोड़कर टिकट की चाह में कांग्रेस पार्टी में आए हैं। पार्टी उन्हें भी जो है छोड़ना नहीं चाह रही, लेकिन पार्टी उन्हें भी नहीं छोड़ना चाह रही जो सदियों से कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात जो है एक किए हुए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस जो है किसे टिकट देती है और कौन सा नेता जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगा और कौन सा जो है चंडीगढ़ में जाकर बैठेगा। लेकिन अमित शाह ये चाह रहे हैं कि 5 लोकसभा सीटें जो हैं उन्होंने हारी हैं, अब उस हार का बदला वो विधानसभा चुनाव में लेना चाह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है और सह प्रभारी विप्लव देव जो है आज हरियाणा में है और कार्यकर्ताओं में जान भी फूकेंगे और फीडबैक भी लेंगे आखिरकार कहाँ जो है गलती हमारे से रहेगी, और कार्यकर्ताओं को ये कहेंगे कि सैनी सरकार जो दिन रात अच्छे फैसले ले रही है इस फैसलों को लेकर फील्ड में जाएं और लोगों से कहें कि हमने देखिए आपके हित में कितने काम किए हैं, चाहे वो 100-100 गज के प्लाट की बात करें, चाहे बिजली के फ्री की जो अभी जो बातचीत चल रही है वो बात करें, चाहे हैप्पी कार्ड योजना है उसको लेकर बात करें, तमाम जितनी भी योजना सैनी सरकार लेकर आ रही है उस योजना को फील्ड में लेकर जाएं। और उधर समीक्षा जो समाधान समीक्षा शिविर हैं उसको लेकर भी जो है लोगों के बीच में बताएं कि हमने आपकी समस्या के लिए जो है समाधान शिविर लगाने शुरू कर दिया, यानी कि बीजेपी ये नहीं चाह रही कि हरियाणा जो है इस बार उनकी झोली से निकल जाए और कांग्रेस ये चाह रही है कि हरियाणा की ये जो राज्य की जो सीट है हरियाणा सीट है ये जो है कांग्रेस के पाले में आ जाए। इसके लिए बाकायदा राहुल गांधी ने इन सारे नेताओं को बिठाकर मीटिंग भी की है और गुटबाजी से दूर रहने की जो है बात की है और इसका असर जो है वो भी हरियाणा में दिखना शुरू हो गया। अब ना तो शैलजा और ना ही हुड्डा जो है
फील्ड में पब्लिक में कोई ऐसी बात दिखते करते हुए नजर आते हैं जिससे पार्टी की किरकिरी हो। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि पार्टी मजबूत है और पार्टी अपना दमखम जो है इस बार हरियाणा के चुनाव में दिखाएगी। तो बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस 70+ सीटें जो हैं लेने का दावा कर रही है और बीजेपी ये चाह रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ वो दोबारा जो है सत्ता में लौटे और हरियाणा की जो सीट है हरियाणा राज्य जो है उनकी झोली में फिर से आए। पिछली बार आप लोगों को पता है 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था लेकिन 40 पर सिमट कर रह गई थी और बैसाखी का सहारा यानी कि जेजेपी का सहारा लेकर उन्होंने सरकार बनाई और 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले जो सरकार है वो गिर जाती है और उसके बाद जो है सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार दोबारा सत्ता में लौट रही है या कांग्रेस जो है इस बार पूरे दमखम के साथ 70 पार की बात जो कह रही है वो 70 पार उनका वादा जो है पूरा हो पाएगा और जो वायदे कांग्रेस लेकर जा रही है जनता के बीच क्या सरकार आने के बाद वो वायदे पूरे किए जाएंगे, इसको लेकर तमाम जितनी भी आपकी राय हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपका जो भी कहना है इस वीडियो को लेकर हम उसका इंतजार करेंगे। नमस्कार।